हेलो दोस्तों, आर्ट डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे नंबर 5 का इस्तेमाल करके हम डॉग का चित्र बनाएं। तो मैंने नंबर 5 यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रखा हुआ है। और ठीक यहाँ से आपको क्या करना है, एक कर्व लाइन लेना है जो एल शेप में ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से एक छोटा सा कर्व नंबर 5 की ऊपर की लाइन से जुड़ जाएगा। फिर आपको एक छोटा सा कर्व लाइन डॉग के नाक के लिए बनाना है, और उसके नीचे से एक छोटा कर्व लाइन उसके मुंह के लिए, और ठीक वहां से आपको इस तरीके से आपको छोटे कर्व लाइन से उसको जोड़ देना है। अब उसके आँख के लिए एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, सर्कल ओवल शेप में होगा। और फिर उसके कान के लिए ठीक ऐसे एक इस तरीके से उसका कान बनाना है। दोस्तों, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे तो आपको याद रखने में और आसानी होगा। फिर उसके सामने के पांव के लिए इस तरीके के एक कर्व लाइन से नीचे की तरफ ड्रॉ करना है, और उसके छोटा सा पंजा बनाना है, और उसके ठीक पीछे से एक और कर्व लाइन से उसको जोड़ देना है। अब डॉग के पीछे के बॉडी के लिए यहाँ एक छोटा सर्कल बनाना है, और उसको इस तरीके से उसके गले के नीचे से जोड़ देना है। अब डॉग का पीछे का जो पैर बनेगा वो ठीक सामने के पैर के सीध में होना चाहिए, नहीं तो वो पाँव या तो बड़ा या छोटा हो सकता है। तो आप उसका एक मेजरमेंट ले सकते हैं और फिर एक कर्व लाइन के साथ में उसको जोड़ देंगे। और इसी तरीके से पीछे की तरफ भी एक ऐसा कर्व लाइन और एक दूसरा कर्व लाइन। अब उसके डॉग के दो और पैर हैं जिसको इस तरीके से एक दूसरे कर्व लाइन से के ज़रिए बनाना है, और उसका जो लेवल है सामने के पंजों से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक इस तरीके से आप उसका लेवल नाप सकते हैं, और ये दोनों डॉग के चारों पैर बन गए। अब आपको डॉग का पूंछ बनाना है, तो उसके लिए एक ऐसा हाफ सर्कल की तरह कर्व लाइन लेते हुए इस तरीके से जोड़ देना है। तो आपका ये डॉग का चित्र बनके तैयार है। अब इसको हम ब्लैक कलर के मार्कर से इसका आउटलाइन कर लेंगे। मैंने ये वीडियो का स्पीड बढ़ा रखा है, तो आप इसको हल्के हाथ से धीरे धीरे करें। मार्कर का इस्तेमाल करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको आराम से करें, नहीं तो लाइन आपकी अगर बिगड़ जाएगी तो फिर वो दिखने में ख़राब लगेगा। अब जो बेस है वहाँ पे घास, मैं घास लगा रहा हूँ। आप चाहें तो डॉग पे कहीं और भी खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पे टाइल्स बना सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो पेंसिल की लाइन है उसको इरेज कर देंगे। और इसके बाद अब कलर करना है, तो मैं वैक्स कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने सहूलियत से आपके पास जो भी कलर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉग के स्किन के लिए मैं स्किन कलर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक की जगह आप हल्का ग्रे या ब्लू टोन यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज के साथ भी कर सकते हैं। डॉग का पीछे का पाँव है उसको मैं हल्का ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ उस जगह पे ड्रॉ करूँगा जहाँ पे लाइट कम पड़ रही होगी। और कुत्ते के
कान और उसके नाक को ब्लैक कलर से, और फिर बैक जो उसका बेस है उसको, ये क्योंकि ये घास है तो मैं इसको ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ग्रीन, येलो और डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों आप ये वीडियो देखते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कैसा लगा, या आप और किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।